शिवपुरी में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। कांग्रेस के नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार की देर रात्रि शिवपुरी प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राम मंदिर के आमंत्रण ठुकराने के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की मैं हिंदू रीति रिवाज से अपना जीवन यापन करता हूँ। 100% कांग्रेस के लोग वे लोग जो राम पर विश्वास रखते हैं, वह राम के दर्शन करने जरूर जाएंगे और मध्यप्रदेश के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता भी राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और पूर्णता के बाद जाएंगे। वहीं जीतू पटवारी ने रात्रि विश्राम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर किया। उसके पीछे जीतू पटवारी ने का कहना है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एक सामान्य कार्यकर्ता अगर कार्यकर्ता के घर नहीं रहेगा तो कहाँ रुकेगा। संवाददाता उत्कर्ष भार्गव की रिपोर्ट। हिंदू रीति रिवाज हिंदू पद्धति से अपना जीवन यापन करता है, ऐसे आप लोग भी करते हैं, ऐसे हमारे परिवार के हजारों करोड़ों अरबों लोग करते हैं। 100% कांग्रेस के परिवार के लोग जो राम में विश्वास रखते हैं, वो परिवार के लोग दर्शन भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और बार बार करेंगे। जितने तीर्थ है 100% जाऊंगा, 100% जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। जो राम को की भावना का हमारा हमेशा से विश्वास है कि राम और धर्म से राजनीति का वास्ता नहीं होना चाहिए। आपके जीवन स्तर से, आपके जीवन में के आर्थिक आधार पे, आपके जीवन के परिवार के पारिवारिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव आर्थिक दृष्टि से आए, इस पर राजनीति का भरोसा होना चाहिए। तो भगवान लाखों लाख लोग जाएंगे और मैं आप सबके सामने ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं, हमारे मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता एक साथ जाएंगे। पर जब मंदिर की पूर्णता हो जाएगी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम भगवान से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, उनसे अपने जीवन में एक शांति की स्वरूप बने जिससे हम समाज में अच्छा करें, इसके लिए ईश्वर के पास जाते हैं। अच्छा, गांधी तो एक इसी के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि भगवान राम के मंदिर में हम सब जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर बार जाएंगे, एकत्रित होकर जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा कांग्रेसी जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की पूर्णता। अच्छा, गांधी जी।